हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लिमिटलेस लेडी पर। तो आज मैं करूँगी बालकनी आर्ट। तो इसके लिए पहले मैंने अपनी बालकनी को गोल्डन येलो कलर किया। फिर मैंने सोचा मेरी बालकनी जब इतनी हरी भरी है तो क्यों ना गार्डन वाली आर्ट बनाई जाए। अब गार्डन में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, पर मेरी बालकनी छोटी है तो पहले मैंने उसके ब्रांचेस बनाए, फिर मैंने उस पर पत्ते और फूल बनाए। तो कोई भी रैंडम सा फूल बना दिया, फिर मैंने उस पर दो छोटी छोटी चिड़ियाँ बनाई। तो ये मैंने पहली लेयर ख़त्म की। तो पहली लेयर के बाद ऐसा दिख रहा था, तो काफ़ी फीका लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एक और लेयर उस पर डाल दूँ। सो मैंने उस पर थोड़ा रेड और पिंक शेड मिक्स करके उस वाइट वाले फ्लावर के ऊपर थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन से कलर कर दिया। फर्स्ट पार्ट ख़त्म होने के बाद लगा कि जब गार्डन में हवा चलती है तो पेड़ से फूल पत्ते सब गिरते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा डिज़ाइन बनाया जाए। तो वही छोटे छोटे पत्ते और फूल इस तरह से बना रही थी। फिर नीचे की तरफ मैंने कुछ घास बनाई और उसके ऊपर भी जैसे कुछ फूल पत्ते गिरते हैं उस तरह का डिज़ाइन बनाया। मैंने अपनी वॉल पेंटिंग के लिए एक्रीलिक कलर यूज़ किया है। तो एक्रीलिक कलर आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी शॉपिंग वाली ऐप पे मिल जाएगा। तो और गोल्डन वॉल के लिए मैंने गोल्डन पेंट यूज़ किया था। तितली बनाना सबसे मुश्किल काम लगता है मेरे को, तो मैंने उसे पेंसिल से पहले आउटलाइन कर लिया और उसके बाद मैंने उसे कलर से फिर से आउटलाइन कर लिया। वैसे भी जो भी मटेरियल्स यूज़ हुए हैं उसके डिस्क्रिप्शन मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आउटलाइन ख़त्म होने के बाद फिर मैंने अपनी तितली को थोड़ा रंग बिरंगा बना दिया। बड़ी फीकी लग रही थी ऐसे। तो जब ये पार्ट टू ख़त्म हो गया तो मैंने वार्निशिंग के लिए लिटिल बर्डी का वार्निश डेकोर मैटे यूज़ किया। वैसे तो ये कैनवस में यूज़ करते हैं, पर पता नहीं वॉल के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो मैंने यही यूज़ कर लिया पूरे वॉल पे। जब पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया तो अब मेरी वॉल कुछ ऐसे दिख रही थी, रंग बिरंगी, एकदम प्योर गार्डन वाला लुक दे रही थी। सच कहूँ तो आई लिटरली इन लव विद दिस। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।